खरगोन संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन फार्म दिए गए। पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते का नामांकन भरने की चर्चा थी, लेकिन दस्तावेज पूरे नहीं होने से वे फार्म भरने नहीं पहुंचे। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने बताया, नामांकन प्रक्रिया को लेकर निर्वाचन के निर्देशों अनुसार तैयारियां की गई है। आवाजाही पर भी नजर रखी जा रही, सुरक्षा व्यवस्था के बीच नामांकन पत्र दिए जा रहे हैं। लोकसभा सीट पर 13 मई को मतदान होना है, उनके लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। आज से नामांकन दाखिल का काम शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय के बाहर पुलिस बल तैनात किया है। प्रशासन द्वारा नामांकन जमा कराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शत प्रतिशत मतदान के प्रयास कर रहे हैं कर्मवीर शर्मा, जिला कलेक्टर खरगोन। नेशनल हाईवे स्थित ग्राम मगरखेड़ी चौराहे पर क्रॉसिंग कर रहे अज्ञात बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, मौके पर हुई दर्दनाक मौत। शव को हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से पहुंचाया अस्पताल। खरगोन जिले के कसरावत तहसील क्षेत्र के मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित ग्राम मगरखेड़ी चौराहे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह 7 बजे के करीब ग्राम मगरखेड़ी चौराहे से रोड क्रॉसिंग कर रहे अज्ञात बाइक सवार बुजुर्ग को ट्रक क्रमांक RJ14GJ3663 ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना होते ही ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ग्रामीणों की सूचना पर हाईवे एम्बुलेंस की सहायता से मृतक बुजुर्ग के शव को ठिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। वहीं सूचना मिलते ही खलतांका पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। खरगोन से शाहिद खान की रिपोर्ट।